वेलकम बैक टू माई चैनल एवरीवन। जैसे कि देख सकते हो अभी मैं बाइक पर हूँ अपना, और मैं किसी जगह पर जा रहा हूँ फिलहाल, जो कि मेरे घर से लगभग 50 किलोमीटर के आसपास होगा। और मैं उसी रास्ते से जा रहा हूँ जो रास्ता कुछ दिन पहले एक में जो बेम्बू का ब्रिज था जिससे मैं आया था, उसी रास्ते पर हूँ फिलहाल। और थोड़ी आगे में मुझे वो ब्रिज वाला है, फिर से मैं वहीं से बाहर जाने वाला हुआ। तो फाइनली मैं ब्रिज जो है वो पहुँच चुका हूँ। पहले मैं इसको क्रॉस कर लेता हूँ सावधानी से, फिर आपको आगे मिलता हूँ, ठीक है। तो अभी मैं पूरा सीधा जाऊंगा इस रास्ते से, और जाके मैं NH31 पर कनेक्ट होऊंगा। पर उससे पहले बीच में थोड़ा ट्विस्ट है, जो ट्विस्ट है वो शायद आपको पहले ही पता चल रहा होगा। सो मैं उसके ऊपर से जाने वाला हूँ, कैसा है कैसे जाते हैं मैं दिखाने वाला हूँ, तो वीडियो पर बने रहिए। वाह आगे क्या धुआं है, तो धुएं के बीच से आगे बढ़ते हुए हम फिलहाल जा रहे हैं। अब हमें मिल गया है ये एक ब्रिज जिस पर हम धीरे धीरे होले होले से चल रहे हैं अपना बाइक। ठीक है ओके, हम ब्रिज के ऊपर आ गए और हम सीधे से जाएंगे, एकदम सीधे स्ट्रेट। इस रास्ते को हम आज छोड़ेंगे नहीं, जब एंड होगा तभी इस रास्ते को छोड़ेंगे। और ये रोड देख सकते हो, और सामने सुपर स्प्लेंडर बिना हेलमेट के राइड कर रहे हैं। वाह क्या बात है, एक स्कूटी में तीन लोग, वो भी विदाउट हेलमेट, नहीं हेलमेट है। तो फाइनली पहुंच गए NF रेलवे का रेलवे ट्रैक, जिस पर ये रहा रोड एन नहीं होता उस पर से फिर से रोड चलो होगा, पर बीच में कुछ नहीं है। हमें रेलवे के ट्रैक के ऊपर से जाना पड़ेगा अभी, क्योंकि मैं धीरे धीरे देखो कैसे ले जाता हूँ, पहले भी कई बार ऐसे उठाया है बाइक। तो हम अभी सर के ले जाने वाले हैं। जगह बारे में नहीं की चलो भैया जल्दी चलो। तो पूरा बीच पर है हम ट्रक के, चलो ओके हम निकल लिए। हम जो है रेलवे ट्रैक क्रॉस कर लिए अभी। तो आप फिलहाल ये नज़ारा का एंजॉय कीजिए, चारों तरफ हरियाली हरियाली, बीच में रास्ता। पहले वो गया था ना फोटो खींचने के लिए, ऐसा टाइप ही सेम टू सेम लगभग ऐसा टाइप ही रोड है ये, मतलब ऐसा रोड मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो अभी कुछ म्यूज़िक के साथ फास्ट मोशन में व्यू देख लो, उसके बाद हम वीडियो को एंड करते हैं। If you like this video, then don't forget to hit the like button and subscribe the channel. Thank you. I'm holding on for you to come.